मुगल बादशाह अकबर का नाम आए और बीरबल की बात न निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल अकबर के नौरत्नों में से एक थे और एक महान मजाकिया, बुद्धिमान कवि और लेखक थे जो अपने बहुमूल्य सलाह के लिए जाने जाते थे। लोकप्रियता में बीरबल का कोई सानी नहीं था। वे उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी थे। उनकी विनोद प्रियता और चतुराई के किस्से भारतवर्ष के कोने कोने में प्रसिद्ध थे और सभी उनके प्रशंसक थे। उनके प्रशंसकों में सम्राट अकबर भी थे। इसी कारणवश बाकी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचाते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें मात दे देते थे। वैसे तो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनका असली नाम महेशदास था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यमुना के तट पर बसे त्रिविक्रमपुर अब इकवामपुर के नाम से प्रसिद्ध एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया था। बीरबल सेनानायक के रूप में अफगानिस्तान की लड़ाई में मारे गए। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ईर्ष्यालु विरोधियों का परिणाम थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीरबल एक कुशल कवि भी थे। वे ब्रह्मा उपनाम से लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीरबल एक कुशल कवि भी थे। वे ब्रह्मा उपनाम से लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। अकबर और बीरबल की कहानियां हम बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं, जिनसे बीरबल की बुद्धिमता और चतुराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहानियां अत्यंत रोचक तो हैं ही, इनमें ज्ञान, प्रेरणा और सीखने योग्य भी बहुत कुछ है। इस पोस्ट के जरिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों को एक जगह उपलब्ध कराए, ताकि इन्हें आसानी से पढ़ा जा सके और इनसे कुछ न कुछ सीखा जा सके। इसके तहत सभी प्रसिद्ध कहानियों का लिंक नीचे दिया जा रहा है और इस पोस्ट को हम अपडेट करते रहेंगे। आप इस पोस्ट को बुकमार्क कर ले, ताकि आप फ्यूचर में अपडेटेड कहानियों पढ़ सकें। अकबर और बीरबल की कहानियां हम बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं, जिनसे बीरबल की बुद्धिमता और चतुराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहानियाँ अत्यंत रोचक तो हैं ही, इनमें ज्ञान, प्रेरणा और सीखने योग्य भी बहुत कुछ है। इस पोस्ट के जरिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों को एक जगह उपलब्ध कराएं, ताकि इन्हें आसानी से पढ़ा जा सके और इनसे कुछ न कुछ सीखा जा सके। इसके तहत सभी प्रसिद्ध कहानियों का लिंक नीचे दिया जा रहा है और इस पोस्ट को हम अपडेट करते रहेंगे। आप इस पोस्ट को बुकमार्क कर ले, ताकि आप फ्यूचर में अपडेटेड कहानियों पढ़ सकें अकबर के दरबार के नवरत्न, नाइन ज्वेल्स ऑफ एम्परर, अकबर्स कोर्ट, सबकी सोच एक जैसी, अकबर और बीरबल की कहानियां जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। अकबर और बीरबल की कहानियां, तीन प्रश्नों के उत्तर। अकबर बीरबल की कहानियां, कितनी माताएं। अकबर और बीरबल की कहानियां, उम्र बढ़ाने वाला पेड़। अकबर और बीरबल की कहानियां, ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। अकबर और बीरबल की कहानियां, बीरबल के गुरु अकबर और बीरबल की कहानियां, बीरबल की खिचड़ी, अकबर एंड बीरबल स्टोरीज इन हिंदी, बीरबल की खिचड़ी, अकबर और बीरबल की कहानियां, सबसे बड़ी चीज गरज, अकबर और बीरबल की कहानियां, आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार, अकबर और बीरबल की कहानियां, तीन रुपए तीन सवाल, अकबर और बीरबल की कहानियां, बिना काटे ही छोटा करना, अकबर और बीरबल की कहानियां, रेत से चीनी अलग अलग, अकबर और बीरबल की कहानियां, सवालों का सीधा सीधा जवाब, अकबर और बीरबल की कहानियां, बादशाह का सपना, अकबर और बीरबल की कहानियां, कवि और धनवान आदमी, अकबर और बीरबल की कहानियां, गलत आदत का एहसास, अकबर और बीरबल की कहानियां, दुष्ट काजी, अकबर और बीरबल की
कहानियां सोने की बाली अकबर और बीरबल की कहानियां, बीरबल के स्वर्ग की यात्रा अकबर और बीरबल की कहानियां, दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा अकबर और बीरबल की कहानियां, जादुई गधा अकबर और बीरबल की कहानियां, मूर्ख लोगों की सूची अकबर और बीरबल की कहानियां, प्रेरक कहानियों का अद्भुत संकलन हमने पहले ही प्रकाशित किया था जिसमें हिंदी साहित्य मार्गदर्शन पर प्रकाशित सभी कहानियों को हमने एक जगह संकलित करके उपलब्ध कराया था जिससे पाठकों को कहानियां खोजने और पढ़ने में आसानी हो। इस कलेक्शन को आप नीचे दिए गए लिंक पर पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य मार्गदर्शन पर हमने अन्य भी महान कहानियों को प्रकाशित किया है जिन्हें आप नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। एक बार ईरान के राजा ने पिंजरे में एक शेर भेजा और कहा कि अगर इसे कोई बिना पिंजरा खोले बाहर निकाल देगा तो मान जाएगा कि आपके दरबार में नवरत्नों की होड़ संसार में नहीं हो सकती। अकबर ने सभी दरबारियों से शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालने को कहा पर सभी असफल रहे। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने एक गर्म सलाख ली और उससे शेर को दागने लगा। कुछ ही देर में मोम का शेर पिघल गया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हुआ। बीरबल के कारण ईरान के राजा के सामने अकबर की इज्जत रह गई। दो छोटी लाइन बड़ी लाइन कबार अकबर बीरबल हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अकबर ने तलवार से धरती पर एक लाइन खींच दी और उसे बिना मिटाए छोटी करने को कहा। बीरबल ने उसी लाइन के सामने एक बड़ी लाइन खींच दी। अब अकबर की खींची हुई लाइन उस लाइन के सामने छोटी नजर आ रही थी। अकबर ने बीरबल की अक्ल की तारीफ की। तीन बेगम साहिबा एक बार अकबर बीरबल हंसी मजाक कर रहे थे। अकबर बोले, बीरबल तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। बीरबल, जहां पनाह, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था पर जब से बेगम साहिबा को देखा है मैं अपनी पत्नी को ही भूल गया। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर झेंप गए। उन्होंने बीरबल के साथ ऐसा मजाक दोबारा नहीं किया। चार अंधकार एक बार यमुना किनारे टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल वह क्या चीज है जिसे हम देखते हैं पर चांद की नजर उस पर नहीं पड़ती। बीरबल, वह चीज है अंधकार। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हुए। पांच सबसे तेज कौन दौड़ता है। अकबर ने दरबार में सवाल उठाया, सबसे तेज कौन चलता है। किसी ने चांद तो किसी ने सूरज को सबसे तेज चलने वाला बताया। फिर बीरबल से पूछा गया, महाराज महाजन का सूद सबसे तेज दौड़ता है। दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से ये बढ़ता ही जाता है। इससे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर खुश हुए। अकबर बीरबल की यह उम्दा कहानी भी एक बार जरूर पढ़े। बीरबल की बुद्धिमानी। छे गधे तंबाकू नहीं खाते। बीरबल तंबाकू खाता था पर अकबर ना खाते थे। एक बार तंबाकू के खेत में गधे को घास खाते देख अकबर को मजाक सूझा। बीरबल, गधे भी तंबाकू नहीं खाते। जी महाराज, जो गधे होते वे ही तंबाकू नहीं खाते, इंसान ही खाते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बुरी तरह झेंप गए। एक बार अकबर अपने शहजादे और बीरबल के साथ नदी पर नहाने गए। अकबर ने अपनी पोशाक उतारकर बीरबल को दे दी। शहजादे ने भी वैसा ही किया। अकबर को मजाक सूझा, क्यों बीरबल, अब तो तुम पर एक गधे का बोझ हो गया होगा। नहीं महाराज, एक गधे का नहीं बल्कि दो गधों का बोझ हो गया है। बीरबल की बात सुनकर अकबर झेप गए। अकबर बीरबल बेस्ट 10 शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी 8000 जूते। एक बार अकबर ने बीरबल के जूते छुपवा दिए। जब बीरबल जाने लगे तो उसे अपने जूते नहीं मिले। बीरबल परेशान हो गया तो अकबर ने कहा, हमारी तरफ से बीरबल को नए जूते दिए जाएं। बीरबल जूते पाकर हंसते हुए बोला, महाराज खुदा आपको इस लोक और परलोक में ऐसे हजारों जोड़ी जूते दे। यह सुनकर अकबर शर्मिंदा हो उठे। नौ
तुम्हारा दास हूँ, गोभी का नहीं। एक दिन अकबर और बीरबाल ग्रामीण इलाकों में सवारी कर रहे थे और वे एक गोभी के खेत से गुजर रहे थे। गोभी ऐसी रमणीय सब्जियां हैं, अकबर ने कहा, मैं सिर्फ गोभी से प्यार करता हूँ। गोभी सब्जियों की राजा है, बीरबल ने कहा। कुछ हफ्ते बाद वे फिर से गोभी के खेत के पीछे सवारी कर रहे थे। इस बार हालांकि सम्राट ने एक चेहरा बनाया जब उसने सब्जियां देखीं। मैं गोभी से प्यार करता था, लेकिन अब मुझे इसमें कोई स्वाद नहीं है, अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, गोभी एक बेस्वाद सब्जी है। सम्राट आश्चर्यचकित था। लेकिन आखिरी बार तुमने कहा था कि यह सब्जियों का राजा है, उसने कहा। मैंने कहा, बीरबल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा दास हूं, गोभी का नहीं। 10. पूर्णिमा का चांद बीरबल फारस देश के राजा के निमंत्रण पर था। उनके सम्मान दावत का आयोजन किया गया था और अनेक उपहार दिए गए थे। घर जाने की पूर्व संध्या पर एक अमीर ने पूछा कि वह कैसे अपने राजा की फारस के राजा से तुलना करेगा। बीरबल ने कहा, आपका राजा पूर्णिमा के चांद जैसा है, हालांकि मेरा राजा चौथ के चंद्रमा के समान है। फारसी बहुत खुश थे, लेकिन जब बीरबल घर गए तो उन्होंने पाया कि सम्राट अकबर बहुत गुस्से में था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम अपने खुद के राजा को कैसे कमजोर बता सकते हो, तुम एक गद्दार हो। बीरबल ने कहा, नहीं महामहिम, मैंने आपको कमजोर नहीं किया है। पूर्णिमा का चांद कम हो जाता है और गायब हो जाता है, जबकि चौथे चांद में शक्ति में बढ़ती है। मैं वास्तव में दुनिया को बताता हूं कि आपकी शक्ति बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, जबकि फारस के राजा का पतन होने वाला है। अकबर ने संतोष व्यक्त किया और बीरबल का गर्मजोशी से स्वागत किया।